दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल मैच की। ठीक है, अब इस वाले मैच के अंदर दोस्तों स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की क्या टीम रहने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। बाकी सबसे ज़रूरी चीज़, जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना आप बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, सबसे फर्स्ट लिंक होगा, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों प्रोबेबल 11 क्या रहेगी, तो ये देखिए दोस्तों जिम्बाब्वे के अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो, साथ में बांग्लादेश की प्लेइंग 11, पॉसिबल प्लेइंग 11। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अपना फैन कोड, दोस्तों अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे, और सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कि लिटन दास ओपन करेंगे परवेज हुसैन इमाम के साथ। ठीक है, अब इनके क्या स्टैट्स हैं, स्टैट्स दोस्तों ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लास्ट मैच जो खेल के आ रहे हैं आपके सामने दोस्तों, केवल दो जगह परफॉर्मेंस इनका वीक दिखा है। ठीक है, तो लास्ट गेम वेस्ट इंडीज़, पूरा वेस्ट इंडीज़ दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो खेल के आ रहे हैं। ठीक है, लिटन दास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, स्मॉल लीग के लिए बढ़िया पिक होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अपना परवेज हुसैन, इनके स्टार्ट्स दोस्तों देखने पड़ेंगे। अब जैसा कि दोस्तों जैसा कि मैं बोल रहा था, स्टार्ट्स इनके अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, नए प्लेयर हैं, थोड़े से रिस्की पिक रहेंगे, जीएल वगैरह में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अलीमुल हक की, इनके स्टार्ट्स दोस्तों यहाँ पे बढ़िया किया था दोस्तों, बट ये टेस्ट मैच का दोस्तों T20 के स्टार्ट्स आप यहाँ से देख सकते हो, उतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वन डाउन पे बैटिंग करेंगे, ट्राई ज़रूर कर सकते हो स्मॉल लीग में, हो सकता है मे भी चल जाए। ठीक है, तो अनिमुल हक स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा बात करूँ नजमुल हुसैन की, जो कि अगले नंबर पे बैटिंग करेंगे, इनका ज़रा देखें एक बार। अब इनके स्टैट्स दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, स्टैट्स तो बढ़िया है दोस्तों, बट ODI के हैं दोस्तों ये, है ना। फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हो, ODI के स्टैट्स हैं। नाजमुल हसन दोस्तों GL पिक कराएंगे, अनिमुल हक को ट्राई कर सकते हो, जो कि वन डाउन पे अपना बैटिंग कराएंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें अफीफ हुसैन, T20 के दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया, इनको ट्राई कर सकते हो दोस्तों, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराएंगे, अच्छी बैटिंग कराते हैं, है ना, स्मॉल लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नूरुल हसन की, ये पढ़े दोस्तों, अब इनके स्टैट्स दोस्तों T20 में तो उतने कुछ खास नहीं है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, है ना। कर कोई बात नहीं दोस्तों, GL वगैरह में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क मत लेना। ठीक है, अपना मोसादिक हुसनैन, ये पढ़े दोस्तों, ये प्लेयर बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, बॉल भी करा रहे हैं, लास्ट के दो गेम्स में विकेट लेके आ रहे हैं, पर ODI में
T20 में दोस्तों एक आधा विकेट निकाल रहा है, ये रन्स कितने बना रहा है आपके सामने दोस्तों। बट प्लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये फॉर्म इनकी ख़राब है बट प्लेयर बढ़िया है, ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में, है ना। बाकी अगर बात करें मेहदी हसन, इनके स्टैट्स दोस्तों अभी ये पड़े, T20 के स्टैट्स नहीं दोस्तों, बट ODI में विकेट्स तो लेके जा रहे हैं, है ना। केवल लास्ट गेम को छोड़ के अगर आप यहाँ पे देखो ना, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों मेहदी हसन, है ना। इसके अलावा शौरिफुल इस्लाम बॉलिंग सेक्शन में अगर नज़र मारें, ऑप्शन तो बढ़िया है दोस्तों, स्टैट्स ठीक ठाक है इनके अगर यहाँ पे छोड़ के देखे तो, है ना। शौरिफुल इस्लाम को ट्राई कर सकते हो दोस्तों स्मॉल लीग की टीम में। बाकी अगर मुस्तफिजुर रहमान की अगर मैं बात करूँ तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन बॉलर है ना, एक आधा विकेट पक्के लेके जाएंगे, ठीक है यहाँ से देख सकते हो आप। इसके अलावा एक नाम और है दोस्तों जो कि है अपना नसूम अहमद, तो बांग्लादेश की साइड से ना दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट बॉलर विकेट टेकर ऑप्शन, ठीक है, जो कि डेथ में भी बॉलिंग कराएंगे। स्टैट्स आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान, नसूम और शौरिफुल इस्लाम, ठीक है। प्राइम प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें लिटन दास रहेंगे, अफीफ हुसैन, अनिम उल हक, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं, मेहंदी हसन को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी रहमान, नसूम और अपना शौरिफुल बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। ये प्राइम प्लेयर्स दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों जिम्बाब्वे की अगर बात करें, जिसमें कि दोस्तों रेजिस चकाबवा ओपन करेंगे क्रेग एल्विन के साथ, क्या बात है दोस्तों, T20 के स्टैट्स बढ़िया है दोस्तों, एक गेम को छोड़ के क्रेग एल्विन का अगर देखें, प्लेयर तो ये भी बढ़िया है दोस्तों स्मॉल लीग में, तो ये बढ़िया ऑप्शन है, है ना। चकाबवा को दोस्तों आप मिनी GL में ट्राई कर सकते हो, क्रेग एल्विन बढ़िया नाम है यहाँ से, ठीक है, जो कि बैटिंग करा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अपना सीन विलियम्स, अरे क्या बात है दोस्तों, बॉल भी करा रहे हैं क्या T20 में दोस्तों, तीन गेम्स में लगातार विकेट्स लेके आ रहा है प्लस रन्स भी बना रहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो, है ना। सीन विलियम्स भी बढ़िया ऑप्शन है, आई थिंक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन CVC के लिए बढ़िया चॉइस रहेगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वेस्ली मदवीरे की अगर बात करें, सारे ऑप्शन ऑलराउंड कैटेगरी के हैं दोस्तों, बॉल भी करा रहे हैं T20 के अंदर, यहाँ पे इनको मौका नहीं मिला था, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया करके आ रहे दोस्तों, काफ़ी बढ़िया कर रहे दोस्तों जिम्बाब्वे के प्लेयर्स रिसेंट के मैचेस में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों सिकंदर राजा, और क्या बात है दोस्तों, 82, 22, 19 विकेट्स भी निकाल रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे नाम ऑलराउंडर कैटेगरी से हैं, ठीक है। सारे प्लेयर दोस्तों डिफ़ॉल्ट पिक रहने वाले हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि इनके स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। मिल्टन सुम्बा की अगर बात करें अगले नंबर पे, और
ऑलराउंडर कैटेगरी में होंगे शायद, नहीं है दोस्तों। स्टार्ट्स दोस्तों, ये पड़े कुछ खास तो नहीं है दोस्तों इनके स्टैट्स, जीएल वगैरह में आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यान बोल के अगर बात करें बॉलिंग भी करा रहा है, बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं करके जा रहे हैं। टी ट्वेंटी के अंदर 3 विकेट भी निकाल के जा रहा है, लास्ट के 2 गेम्स में कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेयर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी टाइम से खेल रहे जिम्बाब्वे के लिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों टोनी मुनियोंगा, ये रहे दोस्तों, टीम थोड़ी सी अलग बनेगी दोस्तों। नहीं दोस्तों स्टार्ट्स उतने कुछ खास नहीं है। ल्यूक जोंगवे की अगर बात करें, लास्ट के 4 गेम्स में दोस्तों 3 गेम्स में दोस्तों विकेट्स तो निकाल रहे हैं, एक आधा विकेट है ना। मिनी जीएल में ज़रूर ट्राई करना दोस्तों इनको, मिनी जीएल के लिए ही सही रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों अब विलिंगटन, ये पड़े दोस्तों सारे प्लेयर्स के स्टैट्स आप देख लीजिए। बॉलिंग तो इनको प्रॉपर दी गई थी दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया किया था। जीएल प्लेयर दोस्तों बॉलिंग में लेके आप रिस्क ना लो, ठीक है। रिचर्ड नगारवा की अगर बात करें दोस्तों, हमने आधी बॉलिंग कवर कर ली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनको आप ट्राई कर सकते हो T20 के अंदर, लास्ट के 4-5 गेम्स में एक एक विकेट तो पक्के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे ना टीम थोड़ी सी अलग बनेगी। अब जैसे कि मैं बता रहा था बैटिंग से दोस्तों क्रेग एरविन, ठीक है। चकाबवा को दोस्तों इम्पोर्टेंट तो है, बट मुझे लगता नहीं कि खेल पाएंगे। अगर ऑलराउंडर कैटेगरी से दोस्तों चारों आपके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन अरे यार हम ले नहीं सकते, लेकिन मेहंदी हसन को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा दोस्तों, तो अपनी बॉलिंग भी आ जाएगी जिम्बाब्वे की। टीम बन चुकी है दोस्तों। सीवीसी की अगर बात करें तो सीन विलियम्स से बढ़िया कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। बीसी की अगर बात करें सिकंदर राजा, है ना। बाकी नसूम अहमद को आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, शौरीफुल भी है दोस्तों। इसके अलावा लिटन दास, लिटन किसी को ट्राई करो या ना करो, बट लिटन दास को दोस्तों जीएल में जरूर ट्राई करना, ठीक है। ये बंदा कभी भी चल सकता है, और जब चलते हैं ना दोस्तों तो 50-60 रन तो लगा के ही जाते हैं, तो इनको ट्राई ज़रूर करना, प्लस विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों लाइक टारगेट 500 का रहेगा, अगर आप पूरा कर देते हो तो जीएल की एक धमाकेदार टीम आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। जो भी अभी तक नहीं जुड़े टेलीग्राम से फटाफट जुड़ जाना, ठीक है। और दोस्तों बैट बॉल 11 पर 49 की लीग दोस्तों 39 की मिल रही है आपको, ठीक है, डिस्काउंट के साथ, है ना, वो भी 20 की 20 टीमों में। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करेंगे तो आप देखेंगे फ्री गिव अवे है दोस्तों, 2 टीमें आप फ्री में लगा सकते हो, 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट इसका फ़ायदा उठाना दोस्तों आप सभी, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी दोस्तों, सभी जुड़ जाना। धन्यवाद।